दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है। इस समय एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। बीजेपी नेता अपनी बयानबाजियों को लेकर हमेशा ही विवादों में रहते हैं। एक बार फिर से बीजेपी सांसद ने ऐसा ही बयान दिया है, जिसके बाद बीजेपी पार्टी बैकफुट पर आ गई है। दोस्तों बीजेपी सांसद की कांग्रेस को धमकी, बोले आंख निकाल लेंगे, हाथ काट देंगे। बीजेपी के नेताओं की अनाप शनाप बयानबाजी जारी है। ताजा बयान आया है हरियाणा से बीजेपी के सांसद अरविंद शर्मा का। शर्मा ने धमकी दी है कि अगर उनकी पार्टी के नेता मनीष ग्रोवर की तरफ कोई आंख उठेगी तो उस आंख को निकाल लेंगे, और अगर कोई हाथ उठा तो उस हाथ को काट लेंगे। शर्मा ने यह धमकी कांग्रेस पार्टी और उसके राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा को दी है। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई है बीजेपी पर, और यहां पर सीधे तौर पर हरियाणा की खट्टर सरकार को लेकर सवाल उठने लगे हैं। और यहां पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस पार्टी के निशाने पर आ गए हैं। लगातार अपने बयानों के चलते बीजेपी के सांसद पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मुश्किलें बढ़ाते रहे हैं दोस्तों। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया यूजर्स भी बीजेपी सांसद को जमकर ट्रोल कर रहे हैं और अपनी नाराजगी बीजेपी के प्रति जाहिर कर रहे हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबाइए, जिससे कि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।